subscribe the complete Sambhur Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, और देखेंगे कितने प्रकार की रैम्स होती हैं और कौन कौन सी रैम किस किस यूज़ में आती है और सबसे पुरानी रैम कौन सी थी। तो आइए जानते हैं सब कुछ रैम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये सबसे पुरानी रैम है जिसको बोला जाता था ईडीओ रैम, जिसका फुल फॉर्म होता था एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। और ये जो रैम थी इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको साइड में एक कट मिलते थे और एक बीच में यहाँ पर एक कट मिलता था। और ये जो रैम थी इसकी कैपेसिटी आपको 4 MB, 8 MB, 16 MB और 32 MB और 64 MB में ये उपलब्ध थी। ये काफ़ी पुरानी टाइप की रैम्स हैं जो कि Pentium 1, Pentium 2 में ये यूज़ की जाती थी। तो ये जो रैम्स होती थी इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता था और ये कैपेसिटी में भी काफ़ी कम होती थी। और इनकी पहचान यहाँ से ये वाला जो कट है इसको देखकर और यहाँ पे जो बीच में ये कट है इसको देख के इसको पहचाना जा सकता है। और ये आईसी का जो साइज़ है, ये मोटी आईसी यहाँ पे यूज़ की जाती थी, तो इससे इसको पहचाना जा सकता है कि ये ईडीओ रैम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रैम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी में नेक्स्ट जो रैम है आरडी रैम है, जिसको रैमबस डायनेमिक रैम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान यहाँ पर ये दो कट्स से होती है, यहाँ पे बीच में दो कट्स होते हैं। और ये जो रैम होती है इसकी आईसीज़ जो आईसीज़ होती हैं वो कवर्ड होती हैं एक मेटल प्लेट से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक मेटल प्लेट के द्वारा से आईसीज़ को कवर अप किया हुआ है। और यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं जो कि दो कट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, या इसके द्वारा से हम इसको पहचान सकते हैं। और यहाँ पे ये लॉक दिए हुए हैं, इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये जो रैम है ये आरडी रैम है। जो आरडी रैम है आपको मौजूदा कैपेसिटी जो मिलती थी इसकी 64 MB, 128 MB और 512 MB। तो ये जो रैम थी वो इस कैपेसिटी में उपलब्ध थी, जिसके अंतर्गत 64 MB, 128 MB, 512 MB रैम्स आरडी रैम उपलब्ध की जाती थी उस टाइम पर। इसके बाद जो रैम है वो है एसडी रैम, सिंथेटिक डायनेमिक रैम। इसकी पहचान यहाँ पर ये जो दुक्कट हैं ये यहाँ पर इस साइड होते थे, जो आरडी थी उसमें ये दोनों बीच में होते थे। लेकिन यहाँ पर जो एसडी रैम है ये दोनों जो लॉक हैं एसडी रैम में, ये दोनों ही कट जो है वो ये एक साइड इस साइड और इस साइड, ये दोनों कट इस तरीके से यहाँ पर उपलब्ध हैं। और इसमें ये आईसी जो हैं ये ओपन आईसी होती थी, इसको किसी भी मेटल प्लेट से या किसी भी प्रकार के मेटल से इसको कवर अप नहीं किया होता था। तो आईसी यहाँ पे ओपन होती थी और इसको लॉक को हम यहाँ के कट के द्वारा और इस लॉक के द्वारा से इसको पहचान सकते थे कि ये एसडी रैम है। और एसडी रैम की कैपेसिटी 64 MB, 128 MB और 512 MB में ये उपलब्ध थी, जो कि इसकी मोर देन कैपेसिटी है। तो ये एसडी रैम हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट रैम की, जो कि डीडीआर रैम है, तो डीडीआर रैम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें DDR1, 2, 3 ये डीडीआर रैम्स मिलती हैं। तो यहाँ पे DDR1 की अगर हम बात करें तो DDR1 में यहाँ पे तो ये एसडी रैम है और यहाँ से ये DDR1 रैम है, DDR2 और DDR3। और यदि हम बात करें DDR1 की, तो DDR1 में यदि हम सेंटीमीटर को यहाँ पर देखते हैं तो सेंटीमीटर में ये तकरीबन DDR1 जो रैम है 7.25 पर इसको काट देती है। और इसी प्रकार से DDR2 तकरीबन इसको 7 पर काटती है, जो इसके लॉक हैं, जो इसका कट है वो 7 सेंटीमीटर पर इसको काटता है DDR2 को, और DDR1 को इसको 7.25 पे काटता है। इसी प्रकार से अगर DDR3 की हम बात करें तो ये तकरीबन 5.5 के ऊपर इसको काटता है। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं DDR1, DDR2 और DDR3 को। और एक और पहचान है इसकी, जो DDR1 है उसके अंदर ICs जो हैं वो बड़ी IC यूज़ की जाती थी, ज़्यादा IC यूज़ की जाती थी। उसी प्रकार से DDR2 में और DDR3 में
ये आईसी का साइज छोटा हो गया और ये दोनों ही बराबर बराबर दोनों ही तरफ आईसी को यूज़ किया जाने लगा। तो DDR 2 और 3 में ये आईसी सेम तरीके से लगाई गई हैं, लेकिन DDR 1 जो है इसकी आईसी थोड़ी सी कंपैरिजन टू DDR 2 और 3 ये बड़ी हैं। तो यहाँ पर ये इसकी बेसिक पहचान है। तो यहाँ पर जो DDR RAM है इसकी कैपेसिटी आपको 512 MB, 1 GB, 2 GB और 4 GB और 8 GB में हमें ये उपलब्ध हैं। तो ये कैपेसिटी काफ़ी हाई हो गई और ये सारी बेसिक जानकारी है EDO RAM से लेकर DDR3 RAM तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूनिक लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोस इस चैनल के ऊपर डाले जा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।